को गौरव निवासी लाइन पार्क थाना मझोला का 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव का अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया तथा फोन के जरिए बदमाशों द्वारा गौरव कुमार से 30 लाख की फिरौती की रकम मांगी जा रही थी। इस संबंध में वादी गौरव की तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बच्चे की बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के चलते सघन चेकिंग अभियान से बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। अपहरणकर्ता बदमाश बालक ध्रुव को गाजियाबाद बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस द्वारा ध्रुव को सकुशल कोसाबी बस स्टैंड गाजियाबाद से बरामद कर लिया गया। आज दिनांक 18 अगस्त को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बड़ा खुलासा किया। मैंने न्यूज़ में देखा था ना, तब मुझे इस पर शक हुआ तो मैंने इससे बोला के नाम है ऐसे ऐसे जो है कि प्रेम प्रेमा की कहानी छप रही है अखबार में, फिर एक बार नीचे जाके न्यूज़पेपर में देख ले क्या मैटर है। इसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। फिर उस बीच में फिर मैंने इसको रेगुलर कॉल करी। नहीं तो आप घर पर नहीं थे? घर पर नहीं था। अच्छा, मैं अपने ऑफिस में था। फिर क्या रहा आपको? फिर मैंने फिर से दोबारा ट्राई करने की कोशिश करी कि मतलब इससे बात हो जाए, इससे बात नहीं हो पा रही थी। फिर अचानक अपना बिजनेस खोलेंगे और अपने बाबू को अलग से करेंगे। तो शादी करने थी इस लड़के से आपने, फिर मतलब 30 लाख रुपए जो आपने मांगे थे उससे क्या करने का? बिजनेस करने का ही था कि बिजनेस करने। अगर वो मार देता इस बच्चे को फिर लॉट वगैरह? आपको चिंता थी कि सुरक्षित है आपका रहेगा, आपको उम्मीद थी? 30 लाख रुपए घर में कहाँ से आएंगे, क्या प्लानिंग बनाई थी ये बताइए कि पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? आपका पति कहाँ से पैसे लेकर आएगा? कोई आपने पहले से जानकारी थी आपको तो कहाँ से आने का कर रहे हैं? मार देगा गाजियाबाद से बच्चे को जिसके लिए रैंसम कॉल आ रही थी उसको बरामद कर लिया था। आगे जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें एक व्यक्ति जो तेलंगाना का है शाह उसका नाम प्रकाश में आया। टीम को तेलंगाना भेजा गया, पिछले 7 दिन पहले सारे एविडेंस दिखाए गए और उनको ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। दोनों इसमें हुआ यह था कि फेसबुक के थ्रू जो लड़के की माँ है जिसका किडनैप हुआ था, फेसबुक के थ्रू अशफाक के संपर्क में आई पिछले 2 साल पहले और लगातार इन लोगों की चैटिंग होती रही। बीच में 3-4 बार मुरादाबाद मेरठ और रामनगर भी अशफाक आया, होटल बुक कराया, वहाँ मदर के साथ उनके रहा थे और इतनी दोस्ती प्रगाढ़ हो गई कि ये लोग हैदराबाद जाने के फिराक में थे और इनको पैसों की ज़रूरत थी, वहाँ जिम खोलना चाहते थे। इसलिए ये सारी प्लानिंग मदर ने इसमें प्लान किया कि इसी तरह से करें। तो हमारे सासू ने प्लॉट बेचा है 12 लाख का और जो रेखा है मौसी की उनके पास भी पैसा है और 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी हमारा घर है इसको भी नाना ने इनके रेखा के नाम कर दिया। हमारे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर ये और लड़के को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, अगर इसको उठा लिया जाएगा तो ये पैसा मिल जाएगा, पैसा लेकर के फिर हम लोग वहाँ पर चल जाएंगे। इसमें सारी चीज़ें हमारे पास जिस होटल में आकर के रुके वहाँ के CCTV फुटेज, इवन मदर सुबह जब एक किडनैपिंग हुई इससे पहले जो किडनैपर उसी के साथ गाड़ी में बैठ के 1 घंटे बात भी किया, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाए, फोटो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो एक तरह का बड़ा